बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमाम ब्राइडरी। आज हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर बास्केट बनाएंगे और ये मैं इसको डिफरेंट स्टिचेस के साथ बनाऊंगी। इसका ये वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है ये मैं ब्लैंकेट स्टिच के साथ बनाऊंगी। ये जो रोज़ है इसमें साटन स्टिच और कास्ट ऑन स्टिच के साथ बनाएंगे। फिलिंग हम इसके साथ फ्रेंच नॉट के साथ करेंगे। ये जो टीनी फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, ये हम लेजी डेज़ी स्टिच के साथ बनाएंगे। और इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका सारा ये वुवन पिकॉट स्टिच के साथ हम बनाएंगे। तो आइए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका फ्लावर का स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ये धागा हमने इस साइड पर इस तरह से रखना है और ये इस तरह से ये साटन स्टिच के साथ इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह से हमने सात सात स्टिच लेने हैं इसके और इसके फिलिंग करते जाएंगे। इसकी जो फ्लावर की थी वो पत्तियाँ हमने इसी तरीके से फिलिंग कर लेंगे। ये फ्लावर मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर ये देखेंगे, यहाँ पे हमने फ्रेंच नॉट बनाना है। हमने इसके अंदर ये देखिए इससे फिलिंग कर ली है। अब हम इसके साथ ये जो इसकी ये साइड्स हैं यहाँ पे कास्टून स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाएंगे। हमने यहाँ पे फ्लावर बनाना है कास्टून के साथ। ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ से इसको नीडल को निकाल लेना और ये मेरे पास ट्राई है। हम इसको इस तरह से नीडल को पलटवा लेंगे। यहाँ पर हमने कास्टून बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये धागे को हमने इस साइड पर कर रहे हैं और इसको उतार लेंगे और ये इसको इस तरीके से देखिए यहाँ से नीडल को नीचे निकाल लेंगे। बाकी इसकी ये यहाँ से बैक थोड़ा सा यहाँ से हमने फिर नीडल को निकालना है और सेम इसी तरीके से बनाना है और उसके इसको फिल कर लेना है हमने। और इसी तरीके से ये बना के उसको हमने मुकम्मल कंप्लीट करके फिल कर लेना है सारा। ये देखिए ये फ्लावर्स के अंदर कंप्लीट हो गए, ये बन गए। ये इसी तरीके से हम ये जो थर्ड फ्लावर है वो भी बनाएंगे। ये तीनों फ्लावर्स देखिए मुकम्मल कंप्लीट हो गए। वो हम इसके ये फ्लावर बनाएंगे, इसको हम लेजी डेज़ी स्टिच के साथ बनाते हैं। ये जितने भी इसमें फ्लावर्स बने हुए सारे इसे स्टिच के साथ बनाने हैं और इसी तरीके से बनाने हैं। Thank you.
या जितने इसमें फ्लावर हैं सारे हमने लेजर डिजाइन स्टिच के साथ बनाने हैं, कलर हम चेंज कर लेंगे धागे का। ये इसकी जो ब्रांचेस हैं छोटी छोटी सी हैं ये हम इसके साथ बैक स्टिच के साथ बना रहे हैं। बास्केट के ये सारे फ्लावर्स देखिए हमने मुकम्मल कर लिए हैं। बास्केट की ये ऊपर वाली साइड को हम बनाते हैं, ये हम ब्लैंकेट स्टिच के साथ बनाएंगे। ये सारा हमने इसी तरीके से इसे बनाना है। ये देखिए ये सारा ऊपर वाला इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके इस पार्ट की तरफ आएंगे, ये वाला पार्ट हम इसके साथ स्टिच के साथ ही बनाएंगे। जैसे पहले हमने फ्लावर बनाया उसी तरीके से हमने इसको बनाया। हम बास्केट का ये वाला जो पार्ट है ये वूवन पीकॉट स्टिच के साथ बनाएंगे। हमने इसकी फिलिंग करनी है, देखिए इसके नीचे से निकाला हमने इसको, ये दोबारा यहीं से निकाल के फिर ये इस तरीके से। फिर यहाँ से ये इस तरीके से ये इसी के सामने इसके सारे की फिलिंग कर लेनी है, ऊपर तक ले देना है इसको।
बास्केट मुकम्मल हो गई है सारी, ये मुकम्मल पैटर्न। मेरी आज की वीडियो को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।